हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपैरल कैड में। हमने पिछले पार्ट में ये पोलो का पैटर्न बनाना सीखा था। इस पार्ट में हम इसको ग्रेडिंग करना सीखेंगे। तो हम ग्रेडिंग शीट ये है हमारी, तो हम सबसे पहले अब इसे ग्रेडिंग करना सीखेंगे। अब सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ ग्रेडिंग टूल पे, ग्रेडिंग मोड। उसके बाद यहाँ पे एडिट साइज सेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जनरेट पे क्लिक करेंगे और हमें कितने साइज चाहिए वो हम देख लेंगे। S2 6XL है, हम S2 6XL तक ग्रेडिंग करना साइज बनाएंगे। कितने साइज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइज है, हमें 9 साइज यहाँ पे भर देने हैं। सबसे पहले S स्पेस M स्पेस L स्पेस XL, ऐसे सभी साइज डाल देने हैं 6XL तक। XXL ये हमने सभी साइज भर दिए हैं। अब हमें इसे जनरेट पे क्लिक कर देना है और इसको वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। और अब ये हमें सबसे पहले दोस्तों इसमें अपना साइज सिलेक्ट कर लेना है, जिस साइज का हमने पैटर्न बनाया है। यहाँ पे S साइज सिलेक्ट है अभी, तो हमने M साइज का पैटर्न बनाया था, तो हम M साइज पे क्लिक कर लेंगे। इसका हमें खास ख्याल रखना है, नहीं तो हमारा पैटर्न की ग्रेडिंग सारी खराब हो जाएगी अगर हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले हमें यहाँ पे साइज सिलेक्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ये है फ्रंट, हम पहले इसको ग्रेडिंग करेंगे। हम इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, हम इधर से स्टार्टिंग करके यहाँ पे एंड करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे ग्रेडिंग करेंगे। ये पॉइंट है फ्रंट नेक ड्रॉप का, तो हम इसे शीट में फ्रंट नेक ड्रॉप की ग्रेडिंग देखेंगे। ये रही हमारी फ्रंट नेक ड्रॉप की ग्रेडिंग, जो कि एक एक सूत की है। अगर आपको नहीं भी समझ आता तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको चेक करके बताता हूँ, 7.8 3.87 -4.13 की ग्रेडिंग एक सूत। उसके बाद 4 -4.13 एक सूत की ग्रेडिंग ये भी है। 2 सूत 3 सूत 4 सूत 5 सूत 6 सूत 7 सूत, इसमें एक सूत की ग्रेडिंग है, तो हम एक सूत की ग्रेडिंग इसमें डाल देंगे फ्रंट नेक ड्रॉप में। यहाँ ये वैल्यू x में पड़ेगी, x की सारी वैल्यू हमें सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे डालना है 0.13। ये हमारी ग्रेडिंग हो गई फ्रंट नेक ड्रॉप की। अब ऐसे हमें अगला स्टेप पे क्लिक करना है, ये है नेक विड्थ। नेक विड्थ की ग्रेडिंग अब हम करेंगे। नेक विड्थ की ग्रेडिंग है हमारी 6.5 6 75 7 7.5 7.5 8 7.8 8.5। इसमें दो दो सूत की ग्रेडिंग है फ्रेंड, तो हम इसमें एक सूत की ग्रेडिंग इस पॉइंट पर करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न सिमेट्रिक क्या हुआ है। जैसे कि ये हाफ पैटर्न बना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में नेक विड्थ हाफ डाली थी, चेस्ट की वैल्यू वाई में जो भी वैल्यू पड़ी थी वो हमने हाफ डाली थी। उसके बाद ये इधर ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, तो हम इसमें आधी ग्रेडिंग डालेंगे। जैसे कि हम इसमें 0.25 की ग्रेडिंग है, तो इसमें 0.13 0.12 डालेंगे। ये देखिए मैंने इधर ग्रेडिंग डाली, तो इधर ऑटोमेटिक ही पड़ जाएगी आपकी ग्रेडिंग। हमें जो भी वैल्यू ग्रेडिंग भी होगी या पैटर्न बनेगा भी, वो हाफ में ही करना है हमने टी शर्ट में। तो अब हमारे अगला ग्रेडिंग है शोल्डर का, तो हम मेजरमेंट देखते हैं शोल्डर की। हमारा शोल्डर का है 16 17 18 19 20, यहाँ तक 1 इंची के फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडिंग चेंज हो रही है। पहले हम XXL तक 1 इंची का हाफ डाल लेंगे, 0.5। XXL तक है ये सिर्फ 0.5 0.5 XXL तक। उसके बाद अपना 3XL 4XL 5XL 6XL में ग्रेडिंग है। इसके बाद अपने 20 1.25 20 के बाद 21, तो 1.25 इंची ग्रेडिंग हो गई। हम कैलकुलेट कर लेंगे आगे, 21 21.25 -22.5 से भी 1.25 इंची की है। 22.5 -23.75 ये भी 1.25 इंची की है। 23.75 -25 ये भी 1.25 इंची ग्रेडिंग। आगे हम 1.25 इंची की ग्रेडिंग डाल देंगे।
1.25 इंच की रीडिंग डालें, 2.5 और नहीं सॉरी इसका हाफ पड़ेगा 0.9। यस, अब अगला हमारा पॉइंट है अक्रॉस फ्रंट का, तो यहाँ पे अक्रॉस फ्रंट की ग्रेडिंग डालेंगे हम। तो अक्रॉस फ्रंट हमारा है 14.5, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5। ये भी डबल एक्सल तक फ्रेंड्स 1 इंच के हैं, तो हम इसे भी डबल एक्सल तक हाफ में 1/2 इंच डाल देंगे। उसके बाद 5.5। इसके बाद दोस्तों इसमें ग्रेडिंग है क्रॉस फ्रंट में, उसके बाद फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको 18.5 - 19.75 125 ही है आगे, 21.22 - 22.25 1.25 22.25 - 23.5 1.25। ये सेम शोल्डर की ग्रेडिंग है दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर हमारी ये ग्रेडिंग सेम है तो हम शोल्डर की ग्रेडिंग सेम इसमें आके कॉपी कर देंगे। अब हमें ग्रेडिंग कॉपी करने के लिए इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। ये ग्रेडिंग कॉपी करने का टूल है, कॉपी पॉइंट ग्रेडिंग। आप इसे चाहें तो कीबोर्ड से डायरेक्ट कंट्रोल एफ से भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करके इस टूल से पेस्ट ग्रेडिंग पे, कंट्रोल जी से पेस्ट भी हो जाता है, इसे पेस्ट कर देंगे। अब हमारा अगला पॉइंट है चेस्ट का, हम चेस्ट की ग्रेडिंग देखेंगे आगे। हमारे चेस्ट की ग्रेडिंग है 19, 20, 21, 22, 23, 24.5, 26 यहाँ तक भी फ्रेंड्स। इसमें डबल एक्सल तक 1 इंच की है, तो हम डबल एक्सल तक 1/2 इंच डाल देंगे, 0.5। और उसके बाद हम देखेंगे 3 एक्सल के बाद हमारा कितनी ग्रेडिंग है, हम इसे चेक करेंगे। -23 - 24.5 - 1.5 - 26 - 26 1/2 इंच की है 27.5 - 29। आगे हमारी 1.5 इंच ग्रेडिंग है, तो इसका हाफ डालेंगे 0.75। आगे हमारी इसकी ग्रेडिंग 0.75 डाल देंगे। उसके बाद इसमें ही एक पॉइंट और आता है, इस पॉइंट में वो होता है आरमोल का पॉइंट। अब इसमें हम आरमोल की ग्रेडिंग भी इसी पॉइंट में करेंगे, एक्स में। अब हमारा आरमोल कहाँ पे है, हम आरमोल चेक करेंगे। आरमोल स्टेट ये रहा हमारा, आरमोल स्टेट में हमारे 300 की ग्रेडिंग है, पर हम एक बार चेक कर लेंगे अपने आरमोल स्टेट में। 8.85 - 9.25 - 9.62 - 10.38 - 10.87 - 9.38 - 10.87। उसके बाद सर हमारी यहाँ पे ग्रेडिंग है डबल एक्सल तक 300 होता है, उसके बाद हमारी ग्रेडिंग 1/2 इंच है, 10.5 - 11.38 हमारी डबल एक्सल तक जो फ्रेंड्स ग्रेडिंग है ये 300 है, उसके बाद हमारी ग्रेडिंग 1/2 इंच है, तो हम ये एक्स की वैल्यू से पूरी डालेंगे। जैसे हमने सेम पैटर्न बनाया था वही रूल इसमें ग्रेडिंग में भी फॉलो होता है, तो हम डबल एक्सल तक 0.37, 0.38 और उसके बाद 0.5। और अब हम
एंड से यहाँ बॉटम की ग्रेडिंग करेंगे। बॉटम में और चेस्ट में ग्रेडिंग सेम ही होगी, 19, 20, 21, 23, ये ग्रेडिंग फ्रेंड्स सेम ही है। तो हम ये ग्रेडिंग कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको इन दोनों पॉइंटों पे पेस्ट के ऑप्शन पे जाके हमें पेस्ट स्पेशल पे जाना है, नहीं तो वो एक्स वाला पॉइंट भी यहाँ पे कॉपी कर देगा। हमें सिर्फ वाई वाली ग्रेडिंग कॉपी करनी है जो विड्थ वाइज है, तो हम इसे वाई पे सिलेक्ट करके वैलिडेट कर देंगे। सिर्फ वाई की ग्रेडिंग बढ़ी दोस्तों, ये हमारी लेंथ नहीं बढ़ी है। अब हमारा सिर्फ ग्रेडिंग रह गया इसमें लेंथ का, हम लेंथ की ग्रेडिंग देखेंगे हमारी कितनी है। तो लेंथ की ग्रेडिंग हम देखेंगे कितनी हमारी, 26.5, 27, 28, 28, 75, 29, 30, 31, 31.5, 31, 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 31
है 26.5 माइनस 27.25 और 9 27.25 माइनस 28 पौना इंची, 28 माइनस 28.75 पौना इंची, 28.75 माइनस 30.5 पौना इंची, 30.5 माइनस 30.25 पौना इंची, 30.25 माइनस 31 पौना इंची, 31 माइनस 31.75 पौना इंची, 31.75 माइनस 32.5 पौना इंच की ग्रेडिंग हमारी लेंथ में, हम इसमें पौना इंच की ग्रेडिंग कर देंगे 0.75 एक्स में पूरी वैल्यू। ये फ्रेंड्स हमारी फ्रंट की ग्रेडिंग पूरी हो गई। हम इसको शेप को ठीक करने के लिए ये अक्रॉस में जो है इसको भी एक्स में गिराएंगे, इसका हाफ गिरा देंगे, जैसे कि जहाँ आधा आधा इंची है तो हम इसे 0.25 इसमें रहें ताकि हमारी शेप मेंटेन रहे ये ऐसे। अब फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट ग्रेडिंग हो गया, जैसे सेम हमारी फ्रंट ग्रेडिंग हुई है वैसे ही हमारी सेम बैक भी ग्रेडिंग होगी, बस बैक में नेक ड्रॉप की ग्रेडिंग नहीं होती है, तो हम वो ग्रेडिंग छोड़ के बाकी सारी ग्रेडिंग सेम इससे भी कॉपी कर सकते हैं। ये जैसे कि हम ग्रेडिंग टूल लेंगे, नेक विड्थ की ग्रेडिंग सेम ही होगी, यहाँ से कॉपी करके ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसे हम डिलीट करेंगे, यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, हमें पेस्ट ग्रेडिंग कर देंगे एग्जैक्ट। अब यहाँ से इसे भी कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, ऐसे ही सारी ग्रेडिंग हम यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा चेस्ट फार्मोल का हमारे फ्रंट से बैक सारी ग्रेडिंग हो गई है। अब हमारे सिर्फ ग्रेडिंग रह गई, मून पैच में भी सेम नेक विड्थ की ग्रेडिंग पड़ेगी, नेक विड्थ है, हम एक बार मून पैच की ग्रेडिंग चेक कर लेंगे। मून पैच की विड्थ है, मून पैच विड्थ एट नेक 6.5 और हमारा मून पैच नेक विड्थ 6.5 और अपना नेक विड्थ इधर भी 6.5। फ्रेंड्स हमारे मून पैच की ग्रेडिंग सेम नेक विड्थ के अकॉर्डिंग पड़ेगी, तो हम यहाँ नेक विड्थ की ग्रेडिंग कॉपी करेंगे और इन दोनों पॉइंटों में पेस्ट कर देंगे। और हम देखेंगे इसके हाइट में भी ग्रेडिंग दी है, तो हाइट में भी ग्रेडिंग करेंगे। सेंट्रल मून पैच हाइट 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 SM में 1 है, LXL में 1 है, डबल XL 3XL में 1 है, उसके बाद सबसे 0.25 ग्रेडिंग करेंगे। जैसे कि हम देखिए मून पैच में एम एस और एम में सेम है, ओके, उसके बाद एल में 0.25 की ग्रेडिंग, एक्स में 0.25 की ग्रेडिंग। अब एल और एक्सएल सेम है, उसके बाद डबल एक्सएल में 0.25 की ग्रेडिंग, 0.25 की ग्रेडिंग, के बाद 4XL में 0.25 की ग्रेडिंग होगी।
एक बार हम इसे चेक भी कर लेंगे मेजरमेंट करके। देखिए ब्रांड सेम आ रही है, 4:30 4:30 4 बजे तर 5 5 5:15 3 साइजों में ये ग्रेडिंग हमारी ओके है। हम इसे कोई चीज़ अगर हमें नहीं समझ आती ग्रेडिंग तो हम उसे मेजरमेंट करके भी चेक कर सकते हैं। अब आती है हमारी स्लीव की ग्रेडिंग फ्रेंड्स। स्लीव में हम सबसे पहले ग्रेडिंग करेंगे, यहाँ पे कोई ग्रेडिंग नहीं पड़ेगी और यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे बाइसेप की ग्रेडिंग। तो हम देखेंगे हमें बाइसेप की ग्रेडिंग कितनी दी हुई है इसमें। बाइसेप ये रहा हमारा, बाइसेप में भी 300 यहाँ पे लिखा है लेकिन हम एक बार चेक करेंगे बाइसेप की ग्रेडिंग। बाइसेप की ग्रेडिंग है हमारी 7.38 - 7.75, 7.75 - 8.375, 12 - 8.5 - 3 8.5 - 0.87, 3 8.87 - 9.38 यहाँ पे आधा इंच हो गई, 3 8 - 9.87 - 3 8 - 9.37 - 3 8 - 8.87 की हमारी फ्रेंड्स ये डबल एक्सल तक 3 3 सूट की है और उसके बाद आधा आधा इंच की है बाइसेप की ग्रेडिंग। तो हम इसे डबल एक्सल तक 3 सूट की डालेंगे, उसके बाद आधा इंच की ग्रेडिंग डालेंगे। ये वाई में पड़ेगी ग्रेडिंग, ये फुल पड़ेगी क्योंकि ये बाइसेप हाफ दिया हुआ है। ऐसा मत सोचना कि ये वाई में है तो इसकी ग्रेडिंग हाफ पड़ेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ बाइसेप, तो हमने मेजरमेंट भी हाफ में बनाया था। ये बाइसेप हाफ दिया है तो इसमें डबल एक्सल का 0.38 की ग्रेडिंग हो गई, उसके बाद 0.5 बाइसेप में ग्रेडिंग हो गई हमारी। अब हम स्लीव ओपनिंग में ग्रेडिंग करेंगे। हमारे स्लीव ओपनिंग की ग्रेडिंग दी है 7.5 - 5.75 - 6 - 6.5 - 6.75 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5। ये 2 सूत की दी है तो हम इसे भी पूरी 2 सूत करेंगे क्योंकि इसमें भी हाफ मेजरमेंट दी थी, हाफ स्लीव ओपनिंग और हमने बनाई भी हाफ में ही है। तो हमारे से भी 0.25। अब हम इसमें लेंथ की ग्रेडिंग डालेंगे इन दोनों पॉइंट सेलेक्ट करके। हमारी स्लीव की लेंथ कितनी बढ़ रही है चेक कर लेंगे। आठ सवा आठ, 8.5, 8.75, 9 - 9.5, 9.5 तो 10। इसमें भी 2 सूत की हैं, स्लीव लेंथ भी 2 सूत ही बढ़ाएंगे। ये हमारी, अब हमें इसमें आरमोल मैच करना है। जैसे कि हमने जब इसे बनाया था तो हमें इन दोनों का आरमोल प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके इसका आरमोल यहाँ पे मैच किया था, तो वैसे ही अब हमें सिर्फ किसी एक फ्रंट या बैक की ग्रेडिंग का डिफरेंस निकालना है। यहाँ से हमें इंच टेप लेना है ये वाला और उसके बाद कर्व वाला इंच टेप जो कर्व में नाप सके, पॉइंट सेलेक्ट करके हमें इस पॉइंट तक कर्व में नापना है और उसके बाद हमें यहाँ पे इसके डिफरेंस क्लिक करना है और डेल्टा में जाना है। डेल्टा में जाएंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंस दिखाएगा 3 3 सूत आधा आधा इंच। सेम यहाँ ये हमें इसे यहाँ से कर्व में नापना है और सेम वही डिफरेंस हमें यहाँ भी चाहिए होगा। अगर नहीं होगा तो हमें इसे, ये देखिए इसमें वैल्यू में थोड़ी सी अभी है कमी, जैसे वहाँ पे 0.37 था इसमें 0.33 है, 3.4 है, वहाँ 5 भी था, यहाँ 4.6 है, तो हम इसे थोड़ा सा एक्स में गिराएंगे 1 सूत ताकि हमारा ये आरमोल पूरा हो जाए। जब आरमोल फ्रंट और बैक में जुड़े तो कम ना हो। अब हमने 1 सूत गिरा दिया है, अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है, ये थोड़ा हमारा 0.03 प्लस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्लस रहेगा तो चढ़ाने में आसानी रहेगी बाजू मेकिंग टाइम पे। अब ये सेम ओपनिंग की ग्रेडिंग हमें इसकी बोन की ओपनिंग में भी कर देनी है 0.25 की।
ये फ्रेंड्स हमारी पोलो की टी शर्ट ग्रेडिंग हो गई है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ये हमारी टी शर्ट की ग्रेडिंग ओके है, बिल्कुल।